नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं दुबई से रिलेटेड या फिर कंट्री कोई भी हो। दुबई तो एक एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन या फिर कोई भी लोग, मान ले दुबई में आप रह रहे हैं, ठीक है, आपकी अच्छी सैलरी है, काफी टाइम से आप रह रहे हैं, आपको दुबई में क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है और आपको लोन भी बैंक अच्छी तरह से दे देते हैं। आपको पता है दुबई में बहुत इजीली लोन लोग ले लेते हैं, सैलरी के आधार पे लोन मिल जाता है, और लोन मिल भी जाता है उसको हम यूज भी कर लेते हैं, बदले में हम टाइम पे कंपनी की किस्त भी देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर इन चक्करों में आ गए, जैसे ये कोरोना महामारी है, COVID-19 कितना खतरनाक है, इसको महामारी घोषित कर दिया वर्ल्ड लेवल पे, इस तरह में बैंक से पहले 1-2 लाख अपने दराम लोन ले रखा है, इस दौरान ये घपला हो गया, कंपनी ने उधर से सैलरी आधी कर दी, आधी भी टाइम पे नहीं मिल रही है, और बैंक ने इधर से हमें सैलरी बैंक पे हमारी ईएमआई टाइम पे नहीं जा रही है, तो बैंक हमें डंडा दे देती, हम चारों ओर से एकदम बढ़िया तरीके से फंस जाते हैं। हमारी काफी लोगों के साथ ये शिकायत हुई है, पहली बात कंपनी ने बोल दिया बैठ जाओ भाई, जब तक हमारे पास जॉब नहीं है आप रेस्ट कीजिए अपने मकान के ऊपर, ठीक है, हम आपको खाने का पैसा दे देते हैं, वगैरह वगैरह उनकी कंडीशन के हिसाब से, या फिर हम आपकी आधी सैलरी करते हैं जब तक ये कंडीशन सही नहीं होती, 5-6 महीने 7 महीने हम आपको आधी तनख्वाह देंगे, वो भी आपको 6 महीने बाद देंगे। और बैंक वाले क्या बोलेंगे भाई, वो ये थोड़ी बोलेंगे, वो तो बोलेंगे हाँ जी हमारी ईएमआई आप टाइम पे दीजिए वरना हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उस दौरान आपको क्या सिचुएशन आपके साथ आती है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, कंपनी का तो मैंने प्रोसेस बता दिया, ये दिक्कत है। बैंक ने भी चलो आपको COVID-19 वजह से छूट मिली है, वर्ल्ड लेवल पे सब इंडिया में भी मिली है, वहां पर भी मिली होगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन बैंक की एक लिमिट होती है, बैंक के बाद में वो बोलती है पैसा दीजिए, पैसा नहीं देते हो तो बैंक आपके ऊपर, आपको जिस आधार पे बैंक ने लोन दिया है, आपको ऐसे तो नहीं कि आप रोड पे जा रहे थे बैंक लोन दे रहे हो क्या, बैंक वाले नहीं हाँ जी ले लो, ऐसे तो लोन मिला नहीं, आपको पूरी आपको फॉर्मेलिटी करनी होगी, आपको पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवाए होंगे, कोई सिक्योरिटी भी आपने दी होगी, बदले में बैंक ने आपसे चेक भी लिए होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन करी होगी, और उस कंडीशन के आधार पे अगर आप टाइम पे लोन ईएमआई वगैरह नहीं चुकाते हो बैंक का, तो वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो उनके हथियार बना लेती है बैंक, वो हथियार उनके बैंक के पास होते हैं, वो उनको यूज करती है, और दुबई में भाई जब बैंक यूज करती है, चाहे कोई भी यूज करता है, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है मैं बता देता हूं, बैंक फिर आपके चेक, आपके अकाउंट में चेक लगा सकती है, आपका चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं, और भी वो अदर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है आपके खिलाफ में। अगर मान लीजिए कि चेक बाउंस हो जाता है तो मैं बता दूं, दंड 1987 की धारा में ये एक्ट बनाया, धारा 3 के अंदर 401 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी दुबई में अंदर, और आपको पता है चेक बाउंस का आपराधिक मुकदमा बनता है वहां पे, इंडिया में तो नॉर्मल सिविल में आ जाता है, कुछ नहीं चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चेक बाउंस के मुकदमे मेरे 2-3 साल हो गए चलते हुए, कुछ नहीं है, नुकसान मेरा ही, पैसा मेरा लगता है, अगला पता नहीं कहां घूम रहा है, ये इंडिया है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे एयरपोर्ट पे आप नहीं पहुंच सकते, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते, दिक्कत है ना आपको। तो इन चीजों से बचने के लिए कंपनी आपकी तनख्वाह आधी कर रखी है, वो भी समय पे नहीं मिल पा रही है, इधर बैंक ने डंडा रखा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, पहला तो ऑप्शन ये है बैंक का पैसा दे दीजिए, बात खत्म, पैसा तो अपने पास है ही नहीं तो बात खत्म नहीं हो सकती, तो दूसरा ऑप्शन ये है कंपनी के आगे प्लीज रिक्वेस्ट, हमारे आप पैसा दे दीजिए, हमारी तनख्वाह दे दीजिए, हमारे सैलरी 100% कर दीजिए, ताकि हमारा जो बैंक लोन है वो हम चुका सके, वरना आप इधर से मार रहे हो वो उधर से मार रहे हैं, हम बीच में फंस गए, ऐसा आप बैंक अपनी बैंक के अपनी कंपनी के साथ आप लिखित में या फिर पर्सनली मिलके या फिर आप एप्लीकेशन के द्वारा ईमेल के द्वारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कंपनी आपकी बात को समझ जाए, क्योंकि आप कंपनी के हिसाब से आपने लोन लिया था, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको इस मुसीबत से निकाले, ठीक है। अगर कंपनी भी सुनाई नहीं करे तो बैंक के आगे हाथ जोड़ दीजिए कि प्लीज रुक जाइए, हम आपका पैसा लौटाएंगे, आप लिखित में उनके उनसे दीजिए, लिखित में अग्रीमेंट करिए कि जैसे उधर से पैसा आएगा हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, जैसे 6 महीने दे रखे तो आप 6 महीना और मांग लो, ठीक है, कि 6 महीने का टाइम दीजिए, हम ब्याज का ब्याज भी चुकाएंगे, आपका पैसा भी चुकाएंगे, प्लीज हमारे ऊपर कोई एक्शन मत लीजिए। ये 2 ही ऑप्शन है भाई, 3 ही ऑप्शन है मैंने आपको बता दिए, पहला बैंक से पैसा ले लीजिए या बैंक का पैसा दे दीजिए, कंपनी का पैसा लेके उनको चुकाइए, ये नहीं हो रहा तो कंपनी से रिक्वेस्ट करिए फिर बैंक से रिक्वेस्ट करिए, ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। 100% मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तीनों 3 पत्थर मारोगे, 1 पत्थर आपका लग जाएगा और आपका काम बन जाएगा,
नॉर्मल तरीके से मैंने ये बात बता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।